कैंडिडेट अच्छा होता कांग्रेस का जावेद को छोड़ के तो वोट होता। वो पुल का शिलान्यास करके गए हैं, वो पुल तो अभी चुनाव हो तो अभी करेगा ना भाई, अभी आने जाने वाले को तकलीफ हो रहा है तो अभी दिखाइएगा क्या, पार्टी को आला कमान को दिखाना होगा ना राहुल को। तरुली ईमान साहब को जानते हैं आप? जानते हैं, कैसे नेता है वो? नेता तो बहुत सुनते की बहुत मनिया नेता बहुत, लेकिन कोई काम का नहीं। थाना में जाओ तो परेशानी, ब्लॉक में जाओ तो परेशानी, सीओ के पास जाओ तो परेशानी, एक एक को ऑनलाइन करो, वो करो वो करो, कागज भी उठा के फेंक देता है, सब दिखता है सुनता है सांसद। तरुली ईमान साहब जीत पाएंगे? अब वो तो बात हम कैसे कह दे, जीतने का बात जहाँ तक होता है वो तो आप नहीं कर सकते ना। जेडीयू का आया, बीजेपी का आया, कांग्रेस का आया, कोई तो कुछ बना के दिया या बनाया हुआ है तो 5 साल तो 2 साल काम किया, 2 साल में तो भी किया बेचारा, सब विधायक भी किया तो काम कहाँ से करेगा, मौका दीजिएगा ना। 5 साल, 5 साल काम करता उसके बाद में वो दोबारा चुनाव में आता तब ने हम ओबीसी को बोलते कि यार डिग्री कॉलेज क्यों नहीं हुआ। क्या माहौल है, किसको वोट करेंगे आप लोग इस बार? माहौल तो बहुत बढ़िया है और इस बार वोट करेंगे हम लोग एमआईएम को, अख्तरुल इमाम को, कैंडिडेट अच्छा है इसके लिए वोट उसी को होगा। तो बाकी जो है किसी का यार तेरागाज में 50% वोट एमआईएम को जाएगा, बाकी सब छूट छाट। एआईएमआईएम पर आरोप लगता है कि वो वोट काटता है, गलत बात है, काटने वाला नहीं, वोट काटता तो ऐसे 500 विधायक आता, बिक गया वो लोग। तो कैसे बिका, क्यों बिक गया? बिक गया, पैसा है ना भाई, पैसा सबको लालच लगता है, कौन देगा इतना पैसा, पैसे में सब बिकता है, इतना सब विधायक बिकता है हर जगह, ऐसे आ जाता है विधायक मुंह बोलने से, पैसा देता तभी आता है ना। मौजूदा सांसद जो कांग्रेस के सांसद है डॉक्टर आजाद, उसने काम किया है? वो काम किया है बार बार से अंदर, हम लोग टेराघाट प्रखंड में कभी हम लोग तो देखे नहीं है, कभी आवेदन दिया, निमंत्रण भी नहीं दिया कि भाई सांसद का मान के बैठक है आइए, या आम सभा भी नहीं किया है तो हम लोग कैसे बोलेंगे, बाकी उनका काम नहीं है इधर और वोट भी नहीं है, वोट भी नहीं है उनका। लोग तो कह रहे काम भी किए और वोट भी देंगे, कहाँ किया बताइए काम, एक तो काम बता दीजिए विधायक का कि ये तो रोड बनाया है ये सांसद, या कोई हाई स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कहाँ पर है, टेराघाट में है कहीं हॉस्पिटल देखे जाके आप टेराघाट में, कुछ नहीं किया है, सिर्फ ऐसा ही बस लिखित में और टीवी में आता है कि यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है उसका काम। उनका शिलान्यास करके गए हैं? वो पुल तो अभी चुनाव हो तो अभी करेगा ना भाई, अभी आने जाने वाले को तकलीफ हो रहा है तो अभी दिखाइएगा क्या, पार्टी को आला कमान को दिखाना होगा ना राहुल को कि ये सब पुलवा बनाए हम, कैसे होगा, चुनाव के टाइम में तो सब दौड़ता है, चुनाव से पहले कहाँ गया था, इतना बारिश में हम लोग जो नाव घाट में तपे ये सब देखे थे आप बरसात में, अभी वोट आया तो सब काम करने आएगा, हर एक विधायक आएगा, एमपी एमएलए सब आएगा, उससे पहले कोई नहीं। असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ आए थे फुलवड़िया में, उसने डिग्री कॉलेज देने का वादा किया था, वादा पूरा नहीं हुआ? वादा पूरा नहीं हुआ उसका, सब सांसद क्या एमएलए विधायक जितने भी है सब बिक गया, कहाँ से बनेगा, मौका दीजिएगा तब ना, आज 50 साल से वोट होता है, इतना जेडीयू का आया, बीजेपी का आया, कांग्रेस का आया, कोई तो कुछ बना के दिया या बनाया हुआ है तो 5 साल तो 2 साल काम किया, 2 साल में तो भी किया बेचारा, सब विधायक भी किया तो काम कहाँ से करेगा, मौका दीजिएगा ना, 5 साल, 5 साल काम करता उसके बाद में वो दोबारा चुनाव में आता तब ने हम ओबीसी को बोलते कि यार डिग्री कॉलेज क्यों नहीं हुआ, उससे पहले कैसे बोलेंगे हम लोग, 2 साल में यहाँ तो प्रखंड का प्रमुख बदल जाता है 2.5 साल में, तो विधायक तो बेचारा 2 ही साल रहा, 1.5 साल रहा, कहाँ से काम होगा, मौका देंगे इस बार अख्तरुल इमाम को, कैंडिडेट अच्छा होता कांग्रेस का जावेद को छोड़ के तो वोट होता। यानी आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस रहे मगर कैंडिडेट बदल जाए तभी वोट होगा, नहीं तो बीजेपी और एमआई में फाइट होगा, कांग्रेस तीसरा नंबर पे जाएगा। कैंडिडेट में क्या खराबी है कांग्रेस की? बस वही खराबी क्या है, आई एम समथिंग साहब समझे, यही है, लोकल होता, समाज में रहता, आके बैठता, कभी फुटानी चौक, झुनकी चौक, मटियारी चौक,
महीना दो महीना चार महीने में है आदमी से मिलता मिलजुल होता तो भाई एक तो आदमी का दिल लगता कि नहीं भाई हम लोगों का है सांसद, ये तो है नहीं। लोग भाई दिल्ली में रहता है और यहाँ क्या किशनगंज जिला तो ऐसा ही है पिछड़ा, नदी में डूबने वाला, कभी देखा है कभी जाके यहाँ ये क्या बोलता है लदाबाड़ी डबटोला, लदाबाड़ी का पुल आज 25 साल हो गया, सैयद शाह नवाज बनाया तो उसने शिलान्यास किया था, उसके बाद में अभी तक नहीं बना क्या, उसके बाद में कोई ये विधायक नहीं है एमपी एमएलए नहीं आया, उस पुल का तो शिलान्यास तो किया, कब किया, परसों किया ना, अरे परसों किया, अभी वो टाइम जाने के बाद शिलान्यास, उससे पहले होना था उसको, कितना खर्चा था, आधा पुल तो बना हुआ था, आधा तो बनाना था, बना देते कम ना मानते हाँ। यहाँ नदी कटाव इस क्षेत्र का बहुत बड़ा समस्या है, उसके लिए सांसद जी क्या किए, उसके लिए सांसद जी को करना था कि जो भाई नदी कटाव है बांध बांधते बोल्डर डाल दे घर को बचाते, मटियाड़ी बेचारा पूरा बस्ती खत्म हो गया, उसके लिए सिर्फ खाली हाँ ये करते हैं वो करते हैं, करता कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइक में बोलता है और टीवी में आता है, आज तक बेचारे का साथ शायद आप मिला उन लोगों को, कुछ नहीं मिला, कलोनी भी नहीं मिला है उन लोगों को, बर्बादी है ना। सांसद कैसा होना चाहिए, समाज को आना चाहिए दिखना चाहिए कि भाई कौन सा प्रखंड में काम किया है नहीं है, किस समस्या में झूलता है, आज एक एक तो समस्या टेरागाज में ऐसा है, थाना में जाओ तो परेशानी, ब्लॉक में जाओ तो परेशानी, सीओ के पास जाओ तो परेशानी, एक एक तो ऑनलाइन करो वो करो वो करो, कागज उठा के फेंक देता है, सब देखता है सुनता है सांसद कि प्रखंड में क्या होता है, कोई नहीं उठाने आवाज उठाने वाला। आप जो इतनी सारी समस्याओं को गिना है तो क्या लगता है अख्तरुल ईमान साहब इस सारी समस्याओं का हल कर देंगे? करेगा करेगा, क्योंकि वो गांव का बच्चा है, सूर्यापुरी बच्चा है, समाज का है, समझ में आया ना, इसके लिए करेगा, वो हर जाके आगे बैठता है उठता है, अभी अगर फोन करेंगे तो आ जाएगा कि आपको यहाँ एक दिन टाइम देना है तो देगा, जावेद साहब नहीं देगा, देखना है तो देख लीजिए कोई भी प्रोग्राम करके। कांग्रेस पिछली बार यहाँ जीती थी, डॉक्टर आजाद सांसद बने हैं, कभी दिखे क्षेत्र में? देखे थे नहीं, किसी पार्टी को कहाँ देखा है और दूसरा पार्टी को कहाँ देखा है, कांग्रेस का सांसद जीता था ना, कांग्रेस का सांसद आया था यहाँ, आया था कहे नहीं आएगा, वो लोग तो कह रहे नहीं आया था, आया था, लोग कहने से क्या होगा, जो जिस पार्टी में जो उसका उसका गुण लगाएगा, हम तो कोई पार्टी में नहीं है, हम किसान हैं समझे, हम उसी को देंगे, यहाँ का माहौल देगा, एआई एमआईएम को नहीं देगा, आप ये हम तो कैसे कह सकेंगे, हम कहेंगे कि हम अभी उसको देंगे, अगर कोई जाकर के एमआईएम को देगा तो वो दिल की बात किसी को नहीं, कोई नहीं कह सकता है ना, अपना अपनी बात तो कह सकता है ना। अख्तरुल ईमान साहब को जानते हैं आप? जानते हैं, कैसे नेता है वो? हाँ नेता तो बहुत सुनते कि बहुत मनियान नेता बहुत, लेकिन कोई काम का नहीं, हम लोग भी झुक गए थे लेकिन कोई काम नहीं किया वो। उसके पार्टी के वर्कर थे क्या आप? नहीं एकदम नहीं, लोग कह रहे हैं अभी भी अच्छा नेता है वो, नहीं हम मानेंगे ही नहीं, जब चौक पर वो रुकता नहीं है तो मानेंगे कैसे, जिस टाइम में इलेक्शन खड़ा हुआ था तो एक गरीब से भी हाथ मिलाता था, अभी तो आता है तो कभी आता है तो बस, अभी कोई नहीं, अब बारी जो आया है अब आएगा हाथ मिलाएगा सब करेगा, कांग्रेस जीतने पर भी वो हाथ मिलाएगा, नहीं जीतने पर भी हाथ मिलाएगा। तो आप कांग्रेस के पुराने सपोर्टर हैं क्या? नहीं हम लोग तो किसान आदमी है भाई, हम लोग जो बिकने वाले नहीं है, हम लोग को तो कोई पैसा देता नहीं है कि बिक जाएंगे, आज इसके पास कल उसके पास, दिल में जो जचा है उसको देंगे। मोदी जी कैसे लगते हैं? सब अच्छा है, उसको काहे खराब कहेंगे। क्या नाम है आपका? हाशिम। क्या लग रहा है इस बार माहौल, किसके तरफ आप लोग का झुकाव है? हम लोग का झुकाव, अरे भाई हम लोग क्या कहेंगे, बूढ़ा आदमी 10 आदमी जिधर देगा उधर नहीं देंगे, किधर देंगे, देखेंगे जैसा माहौल है उसी पर चलना होगा, हम लोग क्या कहेंगे।
किसी को तो क्यों, किसी के लिए सोच के रखेंगे वोट को ना। वो तो आएगा जब टाइम, तो सोचा ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है, सोच ही दिया जाएगा। ये नहीं कि अचानक किसी को दे दिया जाएगा, जो चलाने के लायक होगा उसी को ले दिया जाएगा। इस बार एक पार्टी है AIMIM, उसको वोट जाएगा यहाँ से? जाएगा नहीं तो किसी को वोट नहीं जाएगा, वोट काहे नहीं जाएगा, वोट जाएगा नहीं। अभी मौजूदा सांसद काम किया है? बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, नहीं तो ये कुछ काम नहीं चाहिए, है ना। आपके क्षेत्र में वो आए हैं? नहीं आए, नहीं आए, नहीं। तो काम फिर कैसे किए? वही ऊपर से काम, ऊपर से करता है, क्या करता है ऊपर से? हाँ तो क्या कीजिएगा भाई, क्या कहिएगा किसको? हम लोग का बात कौन रखता है, कौन सुनता है? हम लोग का बात सुनने वाला कोई है? ऊपर वाला ही सुनता है, नीचे वाला कोई नहीं सुनता है। कांग्रेस को वोट जाएगी यहाँ से? जाएगा ना भाई, कांग्रेस को भी जाएगा, इसको भी जाएगा, सबको जाएगा, वोट तो जाएगा, नहीं किसी को ज्यादा किसी को कम, ये तो होगा ही। अख्तरुल ईमान साहब जीत पाएंगे? अब वो तो बात हम कैसे कह दे, है? जीतने का बात जहाँ तक होता है वो तो आप नहीं कर सकते। माहौल है ना क्या इस क्षेत्र में अभी, अभी उतना माहौल, जब वोट आएगा तभी ना बनता है माहौल। अभी ये चलता है भाई, हाँ हम उसको देंगे, वो कहता है हम उसको देंगे, वो तो बोलने वाला बोलता ही है, जब टाइम आता है तो उस टाइम में उसका माहौल बदलता है, है ना। ओमिन प्रसाद दास काक वोट दी वो भाजपा, भाजपा की करिया हो, भाजपा की करिया हो, बहुत कुछ करिया की करिया हो, विकास पूरा काम करिया, चोल घूम फ्री दो हर की चाहिए। यहाँ के कुल कैंडिडेट छो यहाँ भाजपा का रोक चाहे ना रोक, भाजपा कंडीशन हो गए तो यार तो कोई काम हो, भाजपा कैंडिडेट नहीं रहे तो कौन काम आगू बढ़े, आगू से भाजपा ही चाहे दूसरा जनता काम चल रही कन्म के किशन जिला, किशन जिला बीजेपी से रहे तथे अभी या ऊपर फिर कांग्रेस रहे, ईसा कांग्रेस रहे तथे काम चल रही। यानी 30-40 की किशनगंज तो बीजेपी जीते? हाँ किशनगंज तो बीजेपी होना चाहिए।